इस वीडियो में दिखाई गई सारी घटनाएं वास्तविक है, इसका कल्पना के साथ कोई संबंध नहीं है। कल्पना यानी कोई लड़की नहीं दोस्तों, लेकिन वास्तविक क्या है ये देखिए, ये भी देखिए, वाओ इंटरेस्टिंग, ये भी देखिए, ओहो, और ये भी देखिए, और इसे क्यों ना देखें आप, और इसे भी तो देखिए। जी हाँ, ये सारी चीजें हम कर सकते हैं गूगल के साथ, जो कि है वास्तविक। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसका रियल जॉब में कुछ भी यूज नहीं है। तो आप बोलोगे सर ये क्यों पढ़ा रहे हो, मैं इसे पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आप कुछ बोर हो गए कंप्यूटर के ऊपर, तो गूगल के साथ कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें कर सकते हैं, जो कि है 11 टिप्स। इस वीडियो में मैं गूगल के ऐसे शेयर करने वाला हूँ जिसमें गूगल के साथ कुछ टाइम पास चीज़ें आप कर सकते हैं, जो कि आपके ऑफिस में आपके कलीग को इम्प्रेस करने के लिए चीज़ें आप दिखा सकते हैं, लेकिन वास्तविक जीवन में इसका कोई भी यूज़ नहीं है। पहले मैं डिस्क्लेमर में डाल देता हूँ, नहीं तो वीडियो में कमेंट करेंगे नीचे कि भैया ये तो कुछ काम का है ही नहीं है। वही तो मैं बता रहा हूँ दोस्तों, काम का नहीं है लेकिन इंटरेस्टिंग है। तो चलिए सीधी बात, नो बकवास, ये वीडियो शुरू करते हैं खास। मैं सतीश कंप्लीट टेक्नोलॉजी चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। लेट्स बिगिन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताऊं कि आप अगर नए मेहमान हो मेरे चैनल पे और पहली बार आए हो तो जरा सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके जाना और बेल आइकॉन पे भी क्लिक करना। इससे होगा क्या, मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलेगी और आप कंप्यूटर में स्मार्ट बनोगे। जी हाँ, बिल्कुल स्मार्ट बनोगे। चलिए बढ़ते आज की वीडियो की ओर। तो सबसे पहले गूगल की टिप्स है, गूगल के अंदर आपको टाइप करना है बस आस्क यू, यू विल आस्क मी व्हाट इज आस्क यू, तो आस्क यू टाइप कीजिए और आई एम फीलिंग लकी पे क्लिक कीजिए, यू विल कम टू नो। जैसे आप आस्क यू टाइप करके आई एम फीलिंग लकी पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखिए ये गूगल थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ओ माई गॉड। तो बस ये आस्क यू कमांड टाइप कीजिए और आई एम फीलिंग लकी पे क्लिक करके देखिए क्या होता है। अब बढ़ते हैं गूगल के दूसरे टिप्स की ओर, जिसमें आपको टाइप करना है सर्च बॉक्स में अतारी ब्रेकआउट। तो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ अतारी ब्रेकआउट, लुक एट यू। जैसे मैं अतारी ब्रेकआउट टाइप करूंगा आई एम फीलिंग लकी पे क्लिक कर रहा हूँ। इफ यू डोंट फीलिंग लकी टिल यू हैव टू क्लिक ऑन आई एम फीलिंग लकी, तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और रिजल्ट देखिए। तो जैसे आप टाइप करोगे और यहाँ पे आओगे आपको मिलेगी यहाँ पे गेम, जो कि आपको यहाँ पे खेलना पड़ेगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है इस बॉल को नीचे गिरने नहीं देना होगा और ऊपर के जो बॉक्स है वो सब यहाँ पे डीडा करते जाएगा। ये इमेजेस की बॉक्स बन चुके हैं और ये अतारी ब्रेकआउट से होता है। इंटरेस्टिंग है या नहीं है मुझे बता दो कमेंट सेक्शन के अंदर। अब बढ़ते हैं तीसरे टिप्स के ओर। तीसरा है गूगल सर्च में आपको टाइप करना है डू अ बैरल रोल, जो कि आपको दिख रहा है मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ और आई एम फीलिंग लकी। लेट्स हैव अ लुक दिस, वो इंटरेस्टिंग, गूगल उल्टा पुल्टा हो गया है यहाँ पे। क्या गूगल ने थोड़ी सी पी ली पता नहीं है, लेकिन डू अ बैरल रोल, समझ में आया आपको ये कैसा रोल हो गया। अगर आपको ये पहले से नहीं पता था तो इसके लिए एक थम्स अप जरूर चाहिए, आई मीन कोल्ड ड्रिंक की बॉटल नहीं, लाइक बटन पे क्लिक कीजिए दोस्तों। तो अब बढ़ते हैं चौथे टिप्स के ऊपर, जिसमें हम कुछ और इंटरेस्टिंग करने वाले हैं, जो कि आपको यहाँ पे टाइप करना है गूगल मिरर एंड हमेशा की तरह आई एम फीलिंग लकी। लेट्स हैव अ लुक दिस, गूगल हो गया अभी पूरा उल्टा, वो अब उल्टा हो गया, कैसे दिखाई देगा भैया इसको। तो गूगल अभी पूरा हो गया उल्टा, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये भी है इंटरेस्टिंग, गूगल मिरर हो रहा है, जो कि आपको गूगल का लोगो उल्टा हो रहा है ऐसा दिख रहा है मिरर के अंदर। तो अब बढ़ते पांचवे टिप्स के ऊपर फटाफट, जो कि गूगल में आपको लिखना है गूगल ऑटर। गूगल ऑटर अगर आप लिखते हो और आई एम फीलिंग लकी पे क्लिक करते हो तो यू विल बी डेफिनेटली फीलिंग लकी। नाउ लुक एट हियर, आपको मिलेगा यहाँ पे वाओ मछली पानी, गूगल उसके अंदर तैर रहा है, वाओ गूगल की तो मजा है भैया। यहाँ पे आप और मछलियाँ बढ़ाने चाहते हो तो मोर फिश के लिए आपको बस करना है एंटर बटन। एंटर बटन प्रेस करते ही यहाँ पे और मछलियाँ आती जाएगी, एंटर कीजिए एंटर कीजिए एंटर कीजिए एंटर कीजिए, भाई मछलियाँ इतनी आ गई, ओ माय गॉड, लैपटॉप से बाहर चली ना है कहीं, ये इतनी बढ़ गई, वाओ अभी तो बढ़ने के लिए जगह ही नहीं, मैं एंटर करे जा रहा हूँ वो डांस कर रही है। ठीक है चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की ओर। सिक्स नंबर के टिप्स में है गूगल स्काई, गूगल मून और गूगल अर्थ। जी हाँ, गूगल स्काई टाइप कीजिए, गूगल स्काई आपको मिलने वाला है, आई एम फीलिंग लकी। गूगल आपको दिखाएगा स्काई व्यू, वाओ इंटरेस्टिंग है, आप इसमें जूम करके जा सकते हैं अंदर स्काई के अंदर, जूम आउट जूम इन करके बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ढूंढ सकते हैं, और नीचे आपको अलग अलग सोलर सिस्टम के
गैलेक्सीज एंड ऑल सारी चीज़ें दिखाई दे रही है। अगर आप देखना चाहते तो इसे जूम करके आराम से बैठ के देखिएगा, जूमिंग पैनल भी दिया है, स्क्रॉल करके भी आप जूम कर सकते हैं। यहाँ पे कहीं आप गुम ना हो जाए इस गैलेक्सी के अंदर या स्काई के अंदर, तो चलिए हम यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि स्काई के अलावा गूगल अर्थ भी हम देख सकते हैं। गूगल अर्थ अगर मैं यहाँ पे टाइप करूंगा एंड आई एम फीलिंग लकी, ये पेज लोड होने के बाद आपको बस लॉन्च अर्थ इन क्रोम पे क्लिक करना है, और जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपकी पृथ्वी लोड हो जाएगी, यानी कि जहाँ पे हम रहते हैं वो धरती, वो अर्थ यहाँ पे आपको दिखाई देने वाली है। वाओ, लोड हो चुकी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ऐसा आप रोटेट करके इसको देख सकते हैं और जूम भी कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट भी ऑप्शन है, यहाँ पे भी 3D ऑप्शन है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इसको आराम से बैठ के ज़रा देख लेना जूम इन जूम आउट करके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इसको जूम कर सकता हूँ, और जूम करके हम यहाँ पे अर्थ में जा सकते हैं, अर्थ को पूरा प्रॉपर भी देख सकते हैं, हर एक चीज़ प्लेस को यहाँ पे आप फोटोग्राफ के साथ देख सकते हैं, कुछ फोटोग्राफ्स 360 भी है। ज़रा आप खुद ही इसको आरएनडी कीजिए, इसके ऊपर टाइम स्पेंड कीजिए, बहुत कुछ सीखने मिल जाएगा आपको। अगर आप है इंटरेस्टेड ऐसा कुछ देखना, तो अर्थ को जैसे आप गूगल मैप में देखते हैं वैसे ही कुछ रहेगा, लेकिन इसमें 3D पार्ट्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें आती है। और मैं आपको बताऊँ कि अर्थ ऑफलाइन आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, गूगल अर्थ गूगल पे सर्च कीजिए और डाउनलोड कीजिए इस अर्थ को और इन्जॉय कीजिए, उसके अंदर 360 इमेजेस आपको बहुत सारे देखने मिलेगी दोस्तों। और अगर आप यहाँ पे 3D पे क्लिक करते हो तो 3D में देखिए गूगल अर्थ कैसे दिखाई देगा आपको। और जब आप कोई प्लेस को जूम करते हो, सपोज मैं यहाँ पे आपको न्यूयॉर्क लेके चलता हूँ, अब आप इंडिया में हो और मैं आपको न्यूयॉर्क दिखा रहा हूँ, तो जैसे मैं यहाँ पे न्यूयॉर्क सर्च करूँगा तो देखिए मेरा अर्थ कैसे जा रहा है न्यूयॉर्क। ओ सब लोग सीट बेल्ट बांध के रखिएगा, हम न्यूयॉर्क उतर रहे हैं और न्यूयॉर्क हाईलाइट हो चुका है। चलिए बैठे बैठे मैं अमेरिका घुमा रहा हूँ दोस्तों आपको, यहाँ पे देखिए, चलिए ओ और 3D वाओ। यहाँ पे हम स्कूल में आ गए क्या, अलग अलग आ चुका है, कॉलेज भी आ चुका है, स्कूल कॉलेज के नाम पहले आ गए दोस्तों, हमें लगता है एडमिशन लेना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको ये 3D में दिखाई देगा, 3D मैंने व्यू ऑन किया है। अगर आप इसके डाउनलोड करके भी करते हो तो काफ़ी इंटरेस्टिंग व्यू आता है, मैंने तो बहुत बार देखा इसे डाउनलोड करके, प्रैक्टिस भी की, मेरे बच्चों को भी दिखाया, मेरे बच्चे मतलब मेरे क्लासेस में जो स्टूडेंट आते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, गूगल अर्थ के ऊपर ज़रा सर्च कीजिए और यहाँ पे अलग अलग प्लेसेस को आप देख सकते हैं। हाँ, घर के अंदर नहीं जा सकते बस, लेकिन घर के बाहर से उसका गूगल अर्थ पूरा डिटेल में आप देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो मैं रिकमेंड करूँगा गूगल अर्थ को डाउनलोड करके भी देख सकते हैं, आप अपने कंप्यूटर में ज़रूर देखिएगा और ऐसे भी देख सकते हैं 3D में। इंडिया में भी घूमिएगा, बाहर भी घूमिएगा, जिधर चाहिए उधर घूमिएगा। फिलहाल अब हम मूव होते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है गूगल मून। जी हाँ, गूगल मून भी आता है, चलिए मैं आपको गूगल मून की तरफ लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे सर्च बॉक्स में अगर मैं गूगल मून टाइप करता हूँ, आई एम फीलिंग लकी पे क्लिक करता हूँ, ये आ गए हम चांद के ऊपर। तो ये थे गूगल स्काई, मून और अर्थ। अब बढ़ते टिप्स नंबर 7 की ओर। टिप्स नंबर 7 में आपको यहाँ पे टाइप करना है गूगल ग्रेविटी। जैसे आप गूगल ग्रेविटी टाइप करोगे और आपको पता है आगे क्या करना है, मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है, ओ गूगल गिर गया, ये क्या हो गया गूगल के साथ भैया, ये गूगल, ये देखिए गूगल डांस कर रहा है, वाओ इंटरेस्टिंग। गूगल के साथ ये क्या है, गूगल ग्रेविटी इसने, तो ये भी कुछ इंटरेस्टिंग है, जरा ट्राई करके देखिएगा। अब बढ़ते टिप्स नंबर 8 की तरफ। अगर गूगल सर्च में आप इस तरह से मार्क्यू लिखते हैं, मार्क्यू, अगर आप HTML थोड़ा बहुत जानते हैं तो आपको पता रहेगा ये मार्क्यू क्या होता है, और मार्क्यू टाइप करके अगर आप एंटर कर देते हो, यहाँ पे आपको आई एम फीलिंग लकी नहीं करना है, बस एंटर करना है, तो यहाँ पे जो कंटेंट दिखाई दे रहा है ना, वो इस तरह से मार्क्यू हो रहा है, दिखाई दे रहा है, स्क्रोल हो रहा है। मार्क्यू ये कमांड HTML में स्क्रोलिंग के लिए दिया जाता है, स्क्रोलिंग टेक्स्ट बनाने के लिए, तो आपको दिख रहा है ये स्क्रोलिंग हो रहा है। अगर मैं इसे ऐसा ही लिख दूँ, सपोज मैं कुछ भी मार्क्यू बिना कमांड का लिख देता हूँ, चलिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्क्रॉल नहीं हो रहा है। तो समझ में आया मार्क्यू अगर आप टैग में लिखते हो तो किस तरह से वो काम करेगा। और इतना ही नहीं, अगर आप यहाँ पे ब्लिंक लिखते हो, इसके अंदर मार्क्यू की जगह ब्लिंक लिख देते हो, तो ब्लिंक में क्या होता है, देखिए ब्लिंक में आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे ब्लिंक मिलने वाली है, जो कि ब्लिंक नाम यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, वाओ ये भी इंटरेस्टिंग है। तो एक छोटी चीज़ मैंने आपको बताई कि ये, तो गूगल सर्च में आपने कभी ऐसा देखा नहीं होगा कि यार कोई चीज़ें ब्लिंक कर रही है, तो यहाँ पे ये समझ में आया कैसे ब्लिंक करता है। तो अब बढ़ते टिप्स नंबर 9 की तरफ, जिसमें गूगल में कुछ और सर्च करना है हमें।
तो इसमें आपको गूगल में सर्च करना है जेग रश। अगर आप ये टाइप करके आई एम फीलिंग लकी पे क्लिक करते हो तो क्या होता है देखिए, गूगल सर्च तो कर रहा है लेकिन यहाँ पे कुछ गूगल को खाने वाले सर्कल आ चुके हैं, जो गूगल का सर्च आपको दिखाई दे रहा है किल करते जा रहे हैं। और आपको करना क्या है, माउस से इन सर्कल को बस ऐसे ब्रेकआउट करना है। आप इनको ऐसे ऐसे ये पूरा खाए, इससे अच्छा माउस से आप क्लिक करके उनको ऐसा इरेज कर सकते हैं। तो दिखाई दे रहा है गूगल सर्च क्या कर रहा है, दिखाई दे रहा है जेड रश क्या कर रहा है, पूरे गूगल के सर्च को खा रहा है। आप देख सकते हैं, ओ माय गॉड, इसने तो पूरा खा लिया, इसको मैं किल नहीं कर पा रहा हूँ। ओके, तो ये इस तरह से होता है। एक छोटी सी चीज़ जो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, गूगल के अंदर यूनिक है, इसलिए मैंने शेयर की। अब बढ़ते हैं टिप्स नंबर 10 की तरफ। तो टिप्स नंबर 10 में है गूगल रेनबो, जो कि गूगल दिखाएगा आपको रेनबो। आई एम फीलिंग लकी एंड लकी मैन लुक एट हियर, गूगल आ चुका है रेनबो के अंदर। वाह, ये भी एक छोटा सा इंटरेस्टिंग है, इतना मज़ेदार नहीं है लेकिन ठीक है, गूगल के ऊपर रेनबो। ओके, और साथ में ही यहाँ पे गूगल के ऊपर जो सर्चेस ऑप्शन आ रहे हैं वो सारे के सारे आपको दिखाई दे रहे हैं रेनबो कलर में है। अब बढ़ते हैं हमारी लास्ट टिप्स की ओर, जो है हमारे टिप्स नंबर 11, जो कि है गूगल स्नेक एंड गूगल गेम। जी हाँ, गूगल स्नेक अगर आप टाइप करते हैं गूगल सर्च के अंदर, और गूगल सर्च पे नहीं, आई एम फीलिंग लकी पे क्लिक करते हो, सो लेट्स लुक दिस। यहाँ पे चालू हो गया है सांप, यानी कि ये सांप आपको पता रहेगा, ये पुराने नोकिया के मोबाइल में जो आता था ना, वो उस तरह का गेम यहाँ पे आता है। आपने खेला होगा बहुत बचपन में, अगर आपके पास नोकिया मोबाइल था तो। फिलहाल तो आपको ये गेम प्ले करना है, तो बस इसी ने इंस्ट्रक्शन दिए, प्ले हो गया है और फटाकों से बच के रहिएगा बस। इसको बाकी चीज़ें जो खाने की चीज़ें वही दे दो, और जो चीज़ें नहीं खाने की वो दे दी, तो ये जाएगा खत्म हो जाएगा। ओके, सो ये आप देखिएगा, खेलिएगा, मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कैसा था ये टॉपिक। उम्मीद है आपको सारे के सारे गूगल के 11 टिप्स इंटरेस्टिंग लगे होंगे। ये इंटरेस्टिंग है, बस इसका प्रैक्टिकल कोई यूज़ नहीं, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था। लेकिन अगर अच्छा लगा है तो लाइक तो ऑलरेडी किया ही होगा, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर लिखिए। मैं मिलूंगा कुछ और कंप्लीट कंप्यूटर के टिप्स के साथ। बने रहिए कंप्लीट टेक्नोलॉजी चैनल के साथ, सीखते रहो, सिखाते रहो, यही रहेगा हमारा हमेशा स्लोगन। बाय बाय।